गहराई तो पूरी है ड्रिंक की। पारना मैं जानना कि कितना पाया के की कल का खड्डा बड़ा दूर हो गया। केड़ा ये वैसे केड़ा पत्थर वैसे थे कौन पत्थर बोले बने ये थल्ले थे ये बड़ा थल्ले है सारे मिट्टी फेर तर गए खाली उपरू भरिया उपरू भरिया ने खाली मिट्टी फेर के तर गए बस जो है वो इसी पे मैं इसने फोटो बनाया इन्होंने वो चुप लिया ये भी भरा हुआ है इसी पे इस पत्थर पे भर रहे थे ये पत्थर के ऊपर बनावा करने खाली उपरू भरिया उपरू भरिया ने खाली मिट्टी फेर के तर गए बस जो है वो इसी पे मैं इसने फोटो बनाया इन्होंने वो चुप लिया ये भी भरा हुआ है इसी पे इस पत्थर पे भर रहे थे ये पत्थर के ऊपर चार पांच दिन ये सर ये मिक्सर में मसाला बनाया जाता है एक डेढ़ तीन का फिर जाके ये फाउंडेशन में ये मसाला बना हुआ है कितना भरिया के खड्डा बड़ा दूर सारे हाँ जी सर बताए क्या परेशानी क्या है परेशानियाँ मेरी ना उनसे कहना सुनेंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे बात इस तरह से है कि
जो ये ग्रिड स्टेशन का काम आया हुआ है 5.5 करोड़ रुपए का, मुझे नहीं लगता कि इसमें मिट्टी भर के 2 लाख का भी ये काम हो। ये आप ये जरा देखें कि पत्थर के ऊपर इन्होंने वो बजरी बार रखी है, तो ये 2 महीने के अंदर ये गिर जा सकता है। ये एक पत्थर ऐसा होता है टूटने वाला, इसके ऊपर से ये जब दबाव पड़ेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। सबसे पहले तो ये घर करीब वाले घर जो है ये इसकी जद में आ जाएंगे। ये 2 महीने के बाद आने वाली नस्लों की तो बात दूर की है, जो इस वक्त नस्लें चल रही हैं ये भी खराब हो रही हैं। इसलिए लिहाजा मेरी इस इंतजामिया से ये गुजारिश रहेगी कि वो आकर यहाँ कम से कम 1 मिनट के लिए आके देखे सर्वे करके जाएं। अगर वो 1-1 लाख रुपया एक्शन AW दूसरे तीसरे अगर 2-2 लाख रुपया गवर्नमेंट की पे ले रहे हैं तो यहाँ काम करवाने में क्या दिक्कत है उनको, यहाँ देखने में क्या दिक्कत है, क्या उनको कमीशन वहाँ जाएगी पहुँच जाएगी, लेकिन यहाँ गरीब आवाम का मारा हो रहा है। तो कौन से डिपार्टमेंट का काम है ये? मैं इसका पावरटेक का, ये बिजली डिपार्टमेंट का है, ये बिजली डिपार्टमेंट का है। देखो यहाँ की हालत, अगर कोई भी ऑफिसर आके आज 4 दिन से ऑफिसरों के साथ रबते में है वो फोन ही उठा रहे हैं, फोन उठा के भी राजी नहीं है, तो यहाँ कोई भी नहीं आया। लिहाजा हमारी जिला इंतजामिया से डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस काम को आके खुद कोई टीम मुकर्रा करके यहाँ इसको देखे ताकि ये गांव को बचाया जा सके और ये ऐसा ना हो कि बिजली मिजाज के 4 महीने के बाद ये खंभे गिर के इन लोगों के मकान तबाह बर्बाद हो जाए। शुक्रिया। हाँ जी सर, आपका नाम? मारूफ अहमद। हाँ जी बताएं, क्या परेशानी? ये जो यहाँ पर कन्हैया जावेद साहब बताएं। देखो हम सबसे पहले तो इसका मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ को यहाँ से उठा के किसी पाए ऊपर वाले स्टेज तक पहुँचाया है। हम यही कहेंगे कि ये इतना सबस्टैंडर्ड काम हो रहा है, अगर इसकी जो हाइट है वो डायमीटर है तो कम से कम इसको इसकी जो है वो फाउंडेशन भी बननी चाहिए अच्छी। तो इसको इनने सब स्टैंडर्ड काम करके पत्थरों पे रख के तो इन्होंने कर दिया है। उसी हिसाब से पोल भी इन्होंने जहाँ जहाँ पे पोल भी लगाए हुए हैं वो भी बारिश की वजह से गिर रहे हैं। पिछले दिनों एक पोल गिरा हुआ था, तो इससे हम आने वाली नस्लों को तो क्या कहेंगे कि वहाँ तक क्या उम्मीद रखेंगे कि वहाँ तक हमारा ये जो प्रोसेस है वो चल के जाए। ये तो हमें मौजूदा वक्त में ही बहुत बड़ा नुकसान है। तो सर यहाँ बन क्या रहा है? ये ग्रिड स्टेशन बन रहा है। कौन सी जगह? ये कनुइयां में जी। तो ये इसलिए हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और LG साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मीडिया की वसालत से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये इसको सुपरवाइज किया जाए अच्छी तरीके से और इसको एक अच्छा ग्रिड स्टेशन बनाया जाए।